पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जिला मौसम विज्ञान विभाग ने अपने एक पूर्वानुमान के तहत बताया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में हिमपात की संभावना है, जिसके चलते उत्तर भारत में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कई इलाकों में शीतलहर भी चल सकती है। हालांकि कल राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूप जरूर निकली थी, लेकिन शीतलहर के कारण ठंड के ज्यादा असर नहीं देखा गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक दिल्ली में साफ मौसम रहने के बाद बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रविवार को यहां धूप के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं हवा में नमी का स्तर 42 से 94% तक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार शहर में आसमान साफ रहेगा, हालांकि हवाएं और तेज गति से चल सकती हैं। अनुमान के अनुसार चलने वाली हवाओं की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक सिमट सकता है। वहीं बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के मौसम विभाग के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक धूप निकल सकती है। चंडीगढ़ में हाल ही में धूप के दिनों का दौर जारी रहा। हालांकि शनिवार को अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस से रविवार को 19.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, लेकिन पिछले दो दिनों से धूप की तपिश जिस तरह से तेज हो रही है, लोगों ने दोपहर के समय गर्म कपड़ों की परत को कुछ कम करना शुरू कर दिया है। मौसम अधिकारियों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक के बीच शहर में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। वहीं पंजाब में बुधवार से बादल छाए रह सकते हैं और गुरुवार को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतर जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यहां 2 फरवरी से मौसम बदलेगा और तेज बारिश के बाद फिर ज़्यादा ठंड का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के कई जिलों में आने वाले 2 फरवरी को मौसम बदलने के आसार हैं। वहीं 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और आसपास के इलाकों से चक्रवाती हवाओं के दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।